हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीएनएल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 15 मई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आरबीएनएल में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 4.97% नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। 120.40 के यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को हमें स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं मंडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की, ऊपर के साइड में छोटी सी बारीक सी दिखने मिल रही है। आरएसए हमारा 63-64 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसए हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड डाउनसाइड जो हमें अराउंड 114.5 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में डाउनसाइड मूव जो हमें 104.88 के आसपास देखने मिल सकता है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको जो रिसेंटली स्टॉक का लेसन था वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते वो हमने आपको बताया। अगर आपको जानना है जरूर इस वीडियो को देख ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं मंडे के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और ऐसे ना ऐसे मार्क्ड है। तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग करने की जरूरत है मंडे के लिए, लेकिन मैं कुछ डेटा जो मार्क करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, तो 120.40 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 118.50 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 121.50 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट क्या, अगला सपोर्ट आता है 114.80 का, उसके बाद गया 110.60 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या अगला रेजिस्टेंस आता है 125.15 का, उसके बाद गया 129.35 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, ये स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। 121.50 से लेके 125.15 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। बाकी आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।